हम लोग फरीदपुर गांव आ चुके हैं। यहाँ मिलेंगे प्रभु दयाल सिंह जी से, उनसे जानना चाहेंगे कि वर्मी कंपोस्ट कैसे बनता है। तो शुरू करते हैं। ये इनके गाय हैं, तो बताइए इनके बारे में, कौन सा ब्रीड है, क्या है? अच्छा, से ये देसी ब्रीड नहीं है, ये फिर जनरल ब्रीड है जो आजकल यूज हो रहा है, ज़्यादा दूध देने के लिए यूज़ करते हैं जी। क्योंकि ये इनके यहाँ पे देख सकते हैं कि ये खाने का, गाय के खाने का चारा के लिए ये सब बना हुआ है। इन्होंने ये बताया कि यहाँ पे मिट्टी नहीं होना चाहिए, गोबर के साथ मिट्टी मिक्स नहीं होना चाहिए। ये देख सकते हैं कितना साफ सुथरा रखा गया है। इससे ये आगे बताएंगे कैसे खाद बनता है। तो ये कितने दिन का खाद है, ये अभी कितने दिन का रखा हुआ है, ये इसी में गोबर इसी में कलेक्ट होता है? इसको रख देंगे इसमें, और इसमें फिर खेत का अवशिष्ट, केला के थम वगैरह, अभी गोभी का सीजन आ जा गया है तो उसका जो पत्ता वगैरह हरा जो होता है, हरा खेत का अवशिष्ट हरा, इसको इसमें रख के फिर इसको खपाएंगे, पानी छिटवाएंगे, खपाएंगे। जब इसमें लग जाएगा कि अभी गोबर ठंडा हो गया, तब इसमें हम केचुआ डालेंगे। इसमें कौन सा केचुआ डालेंगे आप? नॉर्मल जो खेती में जो जमीन में पाया जाता है वो कछुआ नहीं होता, इसके लिए एक स्पेशल अलग से होता है। जी खरीदे हैं? हाँ खरीद, कैसे मंगवाए थे तो फिर अपना बढ़ते जाता है। इसको अभी से रखा जाए तो कितने दिन में ये तैयार हो जाएगा? 90 दिन लगते लगते टैंक खाली हो जाएगा। अगर इसको अगर भर दे तो 90 दिन लगेगा इससे पूरे तैयार होने, तैयारी होने में, पूरे अंत तक के समाप्त तक। अब केचुआ हमको कितने दिन में, कितने दिन बाद डालना होगा? जैसे हम लोग करते हैं कि एक 15 से 20 रोज का गोबर एक जगह एकत्रित करते हैं, और एकत्रित करने के बाद उसको खप के ठंडा करते हैं, फिर उसको टैंक में खेत का अवशिष्ट पदार्थ जो होता है हरा, सो और गोबर को उसमें मतलब 60-40 का एवरेज के हिसाब से रखा जाता है। रख के जब वो गोबर पूरा ठंडे लगता है तब दूसरे टैंक से उसको हम कछुआ रख देते हैं, कछुआ रख के और उसको जूट के बोरा से झाँक के और हल्का हल्का उसको फोहरा के तरह उस पर नमी, मतलब हम बोरे को भिगाए रहते हैं, नमी बनाए रखते हैं, मॉइस्चर इसको मेंटेन करते हैं जी, जिसके बोरा भीगा हुआ रहता है। ये कितने दिन का है ये वाला? ये लग रहा है लगभग कंप्लीट हो चुका है। हाँ, ये इसमें कछुआ रखाया है, 4 रोज पहले रखाया है, बस 4 दिन पहले रखाया है जी। इसमें पानी का छिड़काव होता है जी? जी कितने घंटे, दिन पे करते हैं, घंटे पे? जैसे अभी बरसात का सीजन आ गया तो 1-2 रोज बीच भी होता है, लेकिन जब पूरे गर्मी कराके की गर्मी रहती है तो उसको हम लोग 3 बार 2 बार निश्चित रूप से बोरा को भिंगा के चट को रखते हैं। वो जो बोरा चट्टी वाला जो बोरा होता है उससे आप करते हैं? जी, जी जी। अभी तो ये प्लास्टिक से जाते हैं, अभी थोड़ा सा चट के कंपाई होने के कारण ऐसा होता है, फिर इसको हम बदल देंगे। तत्काल था तो उसी जगह रहता है, अपना डाल दिया गया कि भाई नहीं मरे। और उसमें होता है क्या है कि गोबर अगर गर्म अगर है तो जूट वाले बोरे में ऊपर आकर के कछुआ बैठ जाता है। फिर देखा गया कि इसमें अगर बोरे के नज़दीक आ गया परत पर, तो लगा कि गोबर गर्म है, तब उस समय में हम लोग उसको कछुआ को ऊपर से हटा लेते हैं, फिर उसको पानी छिट के ठंडा करते हैं, तब उसको ढक के फिर उसको ढकते हैं। ये केचुआ नीचे चले जाएंगे, जैसे ये प्रकाश नहीं देख पाता है और ये अंधेरा में ज़्यादा रहना पसंद करता है, तो इसको निकालने के पहले हम लोग तो करते हैं कि खप देते हैं, एक मशीन होता है जिसको कुदाल से हल्का हल्का 2 इंची खप देते हैं, खपने के बाद जो है इसका कछुआ जो है नीचे भाग जाता है, तब इसको हम लोग एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और चलना पर उसको चाल देते हैं। तो चलना पर चलने के बाद जो कछुआ ऊपर जो आ गया वो जो नए पीठ है उसमें डाल देते हैं। और कछुआ कितने दिन तक जिंदा रह सकता है अगर देखा जाए तो? जैसे इसका 35 से 40 दिन का लाइफ बताया जाता है कि है, देता है जो इसका अंडा देता है कछु, एक अंडे से 3 या 4 उसके कछु आते हैं जी। ये आप ये चट्टी रखे हुए? हाँ, इसको झाँकने के लिए रखे हुए, इसका इस पर अच्छा रहता है, इससे नमी मेंटेन रहती है जी। ऐसे ऐसे आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टैंक है जी। टोटल कितना प्रोडक्शन आपका हो जाता होगा? एक बेड से कितना निकलता है टोटल, अगर सारा कुछ केचुओं को हटा दिया जाए, बस खाद का बात करें तो लगभग इससे 10 बोरिए तैयारी जो हो जाते हैं, 10 बोरी हो जाती है जी। होता है क्या है कि जनरल गोबर जो अगर खेत में रखा जाता है
तो उससे बहुत सारी बीमारी आता है और उसको छिकने में प्रॉब्लम होता है। इसको जो है जब चाहे तब जाकर के उसको बारीक बारीक छिटा जब या चाय के पत्ती की तरह हो जाता है तो उसको छिटने में सुविधा होता है। जो पूरे प्लेट में इससे इसमें ज़्यादा अपशिष्ट अच्छा है, गोबर से ज़्यादा बेटर है ये वर्मिंग कंपोस्ट देखा जाए तो, इससे प्रोडक्शन बढ़ जाता है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है। और इसमें जब इसको कंपोस्ट में बदला जाता है तो सारे तत्व इसमें उपलब्ध हो जाते हैं। किसी भी फसल को जो चाहिए उपलब्ध जितने तत्व की सारे तत्व इसमें उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसे अगर लोग गोबर को एक जगह इकट्ठा करते हैं तो उसमें जो है बारिश जब उस मिथेन गैस पाया जाता है, जब तेज की बारिश हुई तो वह बह गया उसका या वायुमंडल में ऊपर उड़ गया। तो ऐसे कच्चा गोबर जो होता है वह जमीन के लिए काफ़ी हानिकारक फसल के लिए होता है, बहुत सारा उसमें कीट लगते हैं लग जाते हैं, लेकिन यह कंपोस्ट डालने से काफ़ी ठीक रहता है। आप अपना खेत दिखा सकते हैं जिससे आप इसका यूज करके जहाँ पे आप खेती कर सकें। हाँ बगल में लगा हुआ है कुंदरू, बिल्कुल जैविक है, देख सकते हैं आपका फुल प्योर जी ऑर्गेनिक, बिल्कुल बिल्कुल ऑर्गेनिक। इतना अभी कितने ये तो कुंदरू लगाए हुए हैं आप जी, ये कितना दिन में आप इसकी तुराई करते हैं? ये 5 से 6 दिन में इसको तुराई होती है। कितना केजी तक निकल जाती है? लगभग इसको 1 कट्ठे से 1 क्विंटल के आसपास आ जाते हैं। ये केमिकल फ्री आपका जी जी हाँ आराम से इसको देख आप सकते इसको कहाँ बेचते हैं? ये लोकल मंडी में या पटना से जैसे शहर में बेचते होंगे? लोकल में अब इसके लिए तो स्पेशल जैविक के लिए मंडी है भी नहीं जगह, तो जनरल मार्केट में बिकता है, लेकिन जो लोग हमारे नज़दीक हैं जानते हैं जिनका पूर्ण रूप में जैविक है तो मंडी में जल्दी बिक जाता है, पहले बिक जाता है और रेट भी अच्छा मिलता है, हम लोग को इंतजार भी नहीं मतलब जैविक खेती का अगर देखा जाए तो बिक्री बहुत जल्दी होता है बाकी के कंपैरिजन में जी जी। और लोग आज के टाइम में जैविक खाना ही पसंद करते हैं, जैविक खाद से आया हुआ केमिकल फ्री जी जी। और ऐसे मेरा जैविक कॉरिडोर भी चल रहा है। यहाँ से कितना दूर होगा जैविक कॉरिडोर का? बस आगे है बस, ये देखिए ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है और इसका टेस्ट काफ़ी शानदार है। अगर आप केमिकल वाला सब्जी खाते हैं और ऑर्गेनिक खाते हैं तो आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। कच्चे में इतना अच्छा लग रहा है तो पका के खाने में कितना टेस्टी लगेगा। सारा कीड़ा सट के मर जाता है, मर जाता है, चिपचिपाहट है, अब खत्म हो रहा है लेट होले। पेड़ की ग्रोथ कितनी अच्छी है, जैविक खाद से ग्रोथ कितनी अच्छी, हरा भरा पेड़ है, कहीं से कोई कीट का कोई प्रकोप नहीं, साफ सुथरा है। बीज लगाएंगे इसके बाद क्या लगाइएगा? इसमें टमाटर मल्चिंग करके टमाटर लगेगा। टमाटर फिर उसके बाद खाद देने के बाद खाद हाँ खाद थोड़े पड़ेगा, जैविक खाद पड़ेगा। जैविक खाद पड़ेगा कितना मतलब कितने दिन बाद आप रोपते हैं जैविक खाद डालने के बाद? खेत तैयारी होगा उसी समय वर्मी कंपोस्ट वगैरह जो कुछ भी उसमें डालना है और जैविक खली वगैरह जो होता है तो सबको आप डाल करके खेत तैयारी हुआ उसी समय उसके बाद उसको मल्चिंग कर दिया जाता है, मल्चिंग करके और तब उस पर एक छिद्र कर करके पौधा लगा दिया जाता है। अथी जो डाला गया ना इसका अथी खत्म हो गया ना तो इसमें कीड़ा रहता है मरा हुआ, देखिए अच्छा। इसके बारे में जान रहे हैं आप लोग क्या है ये बताइए? एक डंक मार देता है जहाँ से पौधा जो है ना फल या तना इसका सूख जाता है, फल टेढ़ा हो जाता है, इसके लिए होता है। अच्छा। इसमें होता क्या है जो एक स्मेल आता है, इसमें स्मेल आता है, स्मेल मादा का आता है, जो नर हर नर चाहता है कि हम मादा के साथ रहे, नर आएगा है ना, मादा का स्मेल आता है तो नर आएगा, नर यहाँ आया तो मादा यहाँ है ना, यहाँ तो दब रखा ये है बस इसी में ही मर जाएगा, इसमें दवा रखा हुआ है ना ये। अच्छा ये दवा रखा हुआ हाँ, ऐसा पूर्ण रूप से जैविक ही इसमें आता है। काफ़ी अच्छा आपका ये है, कहाँ से आप सोचे इसके बारे में कि नहीं ये आपको कोई प्रोवाइड किया? नहीं ऐसे पहले हम लोग जो थे ना तो करते थे कि इसमें पेप्सी वगैरह का बोतल सब ले करके उसमें और नीचे तारी का रख देते थे तो गंदा चीज़ हो गया और टांग देते थे तो इसके आकर्षक होकर के मक्खी उक्खी आ करके फंसता था, लेकिन फिर कृषि विज्ञान केंद्र से इसके बारे में बताया गया तो इसको हम इसमें कौन सा केमिकल डालते हैं, इसमें क्या है? केमिकल नहीं है ये, मतलब एक टैबलेट आता है अच्छा। वारकेम का है, जिंदा है, इसको ले लीजिए। कृषि विज्ञान केंद्र से हम लोग को जैविक खेती करने का प्रेरणा मिला, ऐसे मवेशियों को सब चीज़ हम लोग को साधन
अपना था ही पहले से, लेकिन थोड़ा सा प्रेरित हुआ कृषि विज्ञान केंद्र से, और वहाँ से लोग समय समय पर आते भी हैं और सहयोग भी हम लोगों को करते हैं। और इसके बाद फिर आत्मा से हुआ, और इसके बाद बाहर विजिट में लोग भी भेज करके उगाने के बारे में बताते हैं। योजना का कुछ लाभ मिला है या कि आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं कि आपको क्या मिलना चाहिए जो नहीं मिल? आप सरकार के अति पर हम लोग पूर्ण रूप से डिपेंड नहीं रहते हैं, लेकिन जब हम कुछ करते हैं तो सरकार को विवश होकर के हमको देना पड़ता है। आज हम लोगों को जो है प्रति 11,500 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से जैविक कॉरिडोर में किसान को खेती करने के लिए मिलता है। ये कब से मिल रहा है? ये 3 साल तक मिलना है। मेरा 3 साल अब पूर्ण जा रहा है, मेरा तीनों साल का किस्त आ भी गया। कैसे मिलता है आपको? अगर कोई लेना चाहे या कुछ कोई लेना चाहे, जैसे पहले इसको ग्रुप एक बनाना होता है, जैसे FPO हो गया, तो FPO के तहत एक ग्रुप होता है। पहले से भी हम लोग का एक ग्रुप चलता था, GIG बोलते हैं उसको, तो ग्रुप बना था, उसी ग्रुप के अथी करके एक FPO बना। FPO के तहत कुछ काम करने के लिए जैविक कॉरिडोर दिया गया, तो जो लोग भी हमारे साथ FPO में जुड़े हुए थे और जो खेती करते हैं, तो उन लोगों को अपना अपना जो जितना एरिया था बताया गया, भाई इतना एरिया में तुम करो, उसके एरिया के हिसाब से लोग को कोई हाफ एकर है, कोई एक एकर है, कोई डेढ़ एकड़ के हिसाब से सब किसान लोग अपना अपना दिए, और लोग कर भी रहे हैं। उसी के हिसाब से लोगों को जो हाफ एकर करते हैं उसको 5,500 कुछ, और हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा है, तो जो लोग 1 एकड़ में करते हैं 1,150 सरकार की तरफ से मिल रहा है, अनुदान मिलता है जी। क्या डिमांड, क्या मार्केट डिमांड कैसा है इसका? देहात में तो नहीं, लेकिन शहर वगैरह में जो लोग इसके बारे में जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। कितने दिन इसका अब लग रहा है ये खत्म होने के करा जा रहे हैं? ना भी एक आध महीने और चलेगा, एक आध महीने और चलेगा। कितना अब कहाँ कहाँ भेज चुके हैं ये, पटना या लोकल मंडी? पटना भी लोग गया है वहाँ पे, और लोकल में भी बिकता है। लोकल में ये बिक जाता है, लोकल में ना बिक, अच्छा मार्केट मिलने के बाद इसके कारण लोग ना चाहते हैं इसके बारे में कि भाई कहाँ से है, तो इसको पटना ही भेज के देता जाता। देखने में काफ़ी आकर्षक, देखने में काफ़ी सुंदर है। जी जी, क्यों लोग क्यों नहीं खरीदते यहाँ पे, महंगा है? इसके बारे में नहीं जानकारी है लोगों को। क्या नॉर्मल भिंडी से महंगा बिकता है ये? पटना जाने के बाद तो दोगुना तिगुना रेट में बिक जाता है। हरा भिंडी जो आता है और इन दोनों में रेट का क्या फर्क है यहाँ पर? यहाँ देहात में तो सेम रेट मिला जाता है। तो फिर क्यों नहीं खरीदते हैं ये भिंडी? इसके बारे में लोग विस्तार से अभी नहीं प्रचार प्रसार हो सका है इसके बारे में नहीं लोग। लेकिन देखा जाए तो जितने भी प्रेग्नेंट लेडी होती है, बच्चा हुआ, उनके लिए ये काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि आयरन का प्रचुर मात्रा होता है इसमें। सही तरीके से हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग में? लोगों को लगता है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, फर्टिलाइजर यूज नहीं करेंगे, तो होगा क्या कि ग्रोथ नहीं होगा, फल नहीं होगा मेरा, सब्जियां उगेगी नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आप कितने अच्छे तरीके से फल और सब्जी उगाया जा रहा है यहाँ।